अलैकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं भी ठीक ठाक हूँ अलहमदिल्ला। आज मैं ना हैदराबादी तुरई और मेथी गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर करना चाह रही थी। देखिए, ये 1 किलो तुरई ली थी मैं, उसको कट करके छिलके कट कर ली, थोड़ी हो जाती हूँ। देखिए, और इसमें थोड़ा मटन और 2 डली प्याज ले ली मैं, एक हरी मिर्ची के साथ। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 1/2 रेड चिल्ली और 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट ली, 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। देखिए, डाल के मिक्स कर लेंगे। एक गिलास पानी डाल मिक्स करके इसका लीड बंद कर देंगे। अब ये हंडी रेडी होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी कुकर खोली मैं, जस्ट 4 से 5 सीटी हुए बाद। अब इसको मैं भून रही हूँ। ये देखिए, ये मेथी कट कर ली मैं, छोटी मेथी को कट कर ली। देखिए, मैं उसको वॉश करके उसको कट कर ली। घर की उगी हुई मेथी है मेरे। अब ये थोड़ा भुनने के बाद ये मेथी डाल के बताऊंगी मैं आपको। देखिए, ये मेथी डाल के हम भूनेंगे, थोड़ा भुनने से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो भून के फिर हम मेथी डालेंगे, वो सॉरी तुरई डालेंगे। देखिए, मेथी हमारी अच्छी से भुनी गई। अब मैं इसमें तुरई डाल रही हूँ, तुरई डाल के मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालना है क्योंकि तुरई का पानी बहुत छोटा, पानी में एक खतरा भी नहीं मिला। अब इसको ढक रही हूँ मैं, पानी उसमें से ही रिलीज होता। थोड़ी देर के बाद बताऊंगी मैं आपको। देखिए, ये खतरा भी पानी नहीं डाली मैं, बहुत ही रेडी हो गई। अब मैं इसमें कोथमीर डाल रही हूँ। देखिए, धो के कट कर ली मैं, थोड़ी सी कोथमीर कट कर ली। इसको मैं कर लीजिए, बता दूंगी फिर आपको रिजल्ट का। देखिए, तुरई मिर्ची गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों के लिए सर्व करी। देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए इसको एक बार, बहुत टेस्टी बनती है। और इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।